बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग, मैं हूं सना और आप देख रहे हैं लस्ट कुक विद सना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और चटपटी रेसिपी लेके आई जो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आज हम बना रहे हैं बेसन वाला अंडा फ्राई जो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही टेस्टी। जिसके लिए सबसे पहले हम बाउल में डालेंगे, छोटी सी कटोरी मैंने ली है बेसन की, वो डालेंगे। सबसे पहले बेसन बाउल में डालेंगे, उसके बाद छोटी सी कटोरी ली है मैंने मैदा, छान के मैंने दोनों चीज़ें रख ली थी। इसके बाद डालेंगे ज़ीरा, उसके बाद डालेंगे सूखा धनिया, फिर एक चम्मच भर के लाल मिर्चे और हल्दी, नमक इस पर ज़रूर डालना है। इसके बाद बारीक सी हरी मिर्चें आपने डालनी है कटिंग करके। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना, बिल्कुल गाढ़ा सा रखना अपने लिक्विड सा, ठीक है। ऐसे अपने बनाते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, नमक मिर्ची वगैरह सब कुछ मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। देखिए इतना आपने रखना है। साथ में मैंने अंडे उबाइल रखे हैं ताकि अंडे उबाइल हो जाए। अंडे उबाइल हो चुके हैं, मैंने छिलके उतार के रख लिए हैं। अब जो मैंने लिक्विड सा देखे बनाया था वह तो इससे थोड़ा सा थिक बना लें। जब ऐसे लिक्विड सा हमारा बन जाएगा तो अंडे के ऊपर अच्छी तरीके से हम लगा लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम पर मैंने चूल्हा रखा है, ना ज़्यादा गर्म है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे अंडा, ठीक है। इतना ऑयल हमारा गर्म है, अच्छे तरीके से पक जाएगा तब हम साइडें चेंज करेंगे इसकी। जब तक नीचे से ब्राउन नहीं हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं हो जाएगा, तब तक हम नीचे से ही पकाएंगे। हल्की आंच कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए कितना क्रिस्पी सा और ज़बरदस्त सा हमारा बेसन अंडा फ्राई हो चुका है। सर्दियों की रेसिपी है ये, आप ऐसे फ्राई करके खाएं अंडे पकोड़े की जगह पे भी, और अंडे का भी फ्लेवर मज़े का आएगा, ज़बरदस्त दोनों चीज़ें लगेंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइए कि कैसी बनी है। अब ऐसे पीसेस कर लेते हैं, कितने क्रिस्पी से और मज़े के ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं हमारे। अब इसके बाद मैं डालूंगी इसके ऊपर ज़ीरा मैंने लिया और काली मिर्चें, इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। पीसने के बाद हम ऐसे डालेंगे ज़ीरा और काली मिर्चें पीस के ऊपर डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डालिएगा और देखिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए कि कैसी बनी है, और इतनी ज़बरदस्त बनेगी और इतनी टेस्टी बनेगी, को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।